हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है जिसको हम एनालाइज कर लेते हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पावरी कंपनी है। इसका हम ओनली आज जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको एनालाइज करेंगे, कैसा रहा कैसा नहीं। दोस्तों पहले हम सबसे पहले इसका मार्केट कैप्चर देख लेते हैं, जिसका मार्केट कैप्चर है 12,000 करोड़ का है, जिसका स्टॉक पे 42.2, जिसका बुक वैल्यू है 8.32, जिसकी आरओसी है 63.3%, जो आरओई है 48.6, जो ये डिविडेंड दे रही है 1.42, और जिसका फेस वैल्यू है 1। दोस्तों जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट रहा जून का और सितंबर का हम मैच करेंगे। दोस्तों जो जून में था 98 करोड़ था, जो अभी सितंबर में आया 95 करोड़ आया। दोस्तों मतलब जून से थोड़ा सा कम रहा है। दोस्तों और जो हम इसका नेट प्रॉफिट देखें, 69 करोड़ नेट प्रॉफिट था जून में, अब इसका जो सितंबर में आया 70 करोड़ आया। दोस्तों और जो इसका हम साल का देखें, मार्च 2021 में 317 करोड़ था, वही फिर 2022 में मार्च में 426 करोड़ रहा, मतलब साल का बड़ा है। दोस्तों पर जो इस क्वार्टर रिजल्ट का अभी थोड़ा कम रहा है। जो हम इसकी सेल एंड ग्रोथ देखें कंपनी का, 10 साल में 22%, 5 साल में 16% और 3 साल में 19% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। और जो हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी का, 10 साल में 24%, 5 साल में 24% और 3 साल में 24% से कंपनी ने ग्रोथ की है। और जो हम इसका सीजीआर देखें कंपनी का, 3 साल का 42% सीजीआर रहा है। जिसका हम बैलेंस देखें, बैलेंस शीट देखें, रिजर्व देखें कंपनी का, 662 करोड़ इसके पास रिजर्व है। दोस्तों अच्छा रिजर्व है। और जो इसका पीछे देखें उसमें जून में देखें 599 करोड़ था, जिसके पास बैलेंस पैसा तो बड़ा है। दोस्तों अच्छा पैसा बड़ा है इसके पास। और जो बोरिंग है 16 करोड़ का बोरिंग है मात्र इसके पास। और जिसका एफएल की होल्डिंग देखें, एफएल की होल्डिंग है इसके पास 15.79 और जो डीएल की होल्डिंग है 22.39 और जो पब्लिक की होल्डिंग है इसके 61.54 और जो ओदर्स की होल्डिंग है इसके पास 0.27। देखो दोस्तों ये होल्डिंग है इस पे, और प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों इसमें। और जब इसका शेयर प्राइस चला है 141 पे शेयर प्राइस चला है। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादा अच्छा भी रहा, ज्यादा बेकार भी रहा, मतलब ठीक ठाक रहा दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट। जो देखा जाए तो ये थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों।